गुब्बारे ले लो, गुब्बारे प्यारे प्यारे गुब्बारे। क्या मैं गुब्बारों के साथ उड़ सकती हूँ? मुझे हरे गुब्बारे बहुत पसंद है। ला 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 लाल लेकर के आया हूँ, नीला लेकर के आया हूँ, पीला भी है पास मेरे, हरा भी लेकर आया हूँ। गुब्बारे वाला मैं गुब्बारे वाला हूँ, गुब्बारे वाला मैं गुब्बारे वाला हूँ। आओ बच्चों, मैं गुब्बारे वाला हूँ, गुब्बारे ले लो। नारंगी भी मेरे पास है, सतरंगी भी मेरे पास है, नारंगी भी मेरे पास है, सतरंगी भी मेरे पास है, सफेद भी है पास मेरे और काला भी मंगवाया है, सफेद भी है पास मेरे और काला भी मंगवाया है। गुब्बारे वाला मैं गुब्बारे वाला हूँ, गुब्बारे वाला मैं गुब्बारे वाला हूँ। कोई गुलाबी कोई सुनहरी, कोई भूरा है कोई बैंगनी, कोई गुलाबी कोई सुनहरी, कोई भूरा है कोई बैंगनी। सुंदर सब गुब्बारे हैं, सारे प्यारे प्यारे हैं, सुंदर सब गुब्बारे हैं, सारे प्यारे प्यारे हैं। गुब्बारे वाला मैं गुब्बारे वाला हूँ, गुब्बारे वाला मैं गुब्बारे वाला हूँ। गुब्बारे ले लो गुब्बारे, सारे प्यारे प्यारे। जाती मोटर गाड़ी, सब बच्चे पटरी पर आओ, बीच सड़क पे कभी न जाओ।
जाओगे तो दब जाओगे, चोट लगेगी तो पछताओगे। बीच सड़क पे कभी न जाओ, जाओगे तो दब जाओगे, चोट लगेगी तो पछताओगे, चोट लगेगी तो पछताओगे। सड़क बनी है लंबी चौड़ी, उस पे जाती मोटर गाड़ी। सब बच्चे पटरी पर आओ, बीच सड़क पे कभी न जाओ। जाओगे तो दब जाओगे, चोट लगेगी तो पछताओगे। बीच सड़क पे कभी न जाओ, जाओगे तो दब जाओगे, चोट लगेगी तो पछताओगे, चोट लगेगी तो पछताओगे। सड़क बनी है लंबी चौड़ी, उस पे जाती मोटर गाड़ी। सब बच्चे पटरी पर आओ, बीच सड़क पे कभी न जाओ। जाओगे तो दब जाओगे, चोट लगेगी तो पछताओगे। बीच सड़क पे कभी न जाओ, जाओगे तो दब जाओगे, चोट लगेगी तो पछताओगे, चोट लगेगी तो पछताओगे।
पहलवान भी नानी से ट्यूशन लेने आता है। ट्यूशन लेने आता है किसी भी मुश्किल काम में वो भी जब फंस जाता है। थपक थपक कर हमें सुनाती, थपक थपक कर सुनाती, थपक थपक कर हमें सुनाती नानी ये कहानी। मेरी नानी, मेरी नानी सुपर नानी, सुपर नानी। मेरी नानी, मेरी नानी सुपर नानी, सुपर नानी। सब लोगों से ऊपर नानी, सब लोगों से ऊपर नानी, सब लोगों से ऊपर मेरी नानी। एक बार एक जंगल था, नाम था सुंदर वन। तरह तरह के उसमें जानवर करते थे सब फन। सीधा सा एक कछुआ भी था और एक खरगोश। अपनी तेजी का खरगोश में भरा हुआ था जोश। कछुए और खरगोश की थी आपस में दोस्ती, पर कछुए के धीमेपन पर करता था वो मस्ती। आओ चलो हम दोनों एक रेस लगाते हैं, कौन है सबसे तेज, सबको आज बताते हैं। रेस शुरू हुई, दोनों भागे, था खरगोश आगे आगे। दूर पहुंचकर खरगोश जब पलट कर घूमा, कछुआ पीछे कहीं नहीं था क्योंकि वो था धीमा। थोड़ा सा आराम करूं तो मेरा क्या जाएगा, कछुआ इतना धीमा है जीत नहीं पाएगा। सोचकर ऐसी बात खरगोश खुश हो गया, पेड़ की ठंडी छांव में आंखें बंद की सो गया। कछुआ सीधा सच्चा था, अपनी धुन का पक्का था, बिना रुके बिना थके काम अपना करता रहा। जब तक मंजिल पर ना पहुंचा चलता रहा चलता रहा। खरगोश की जब आंख खुली तो हो गई थी शाम, सोच कर रेस के बारे में वो भागा दिल को थाम। लेकिन वक्त बीत चुका था, कछुआ रेस जीत चुका था। पकड़े कान खरगोश ने कछुए को गले लगाया, मेहनत करने वाला बेस्ट है आज समझ में आया। हाँ आज समझ में आया, आज समझ में आया।